तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे आज PS4 और PS5 के जेल ब्रेक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बात मुझे परसों रात को ही पता चल गई थी, लेकिन मैं फिर भी काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो अब तक खबरें आ रही थी या जो भी डिटेल थी वो कन्फर्म नहीं थी और कुछ आधी अधूरी बात थी, लेकिन अब काफ़ी कुछ कन्फर्म हो चुका है इसलिए वीडियो आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं जेल ब्रेक के बारे में। PS5 और PS4 के जेल ब्रेक के बाद अब की बार जो पब्लिक है इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुई है, बल्कि थोड़ी सी डिसपॉइंटेड हो गई है। तो बताता हूँ कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जो इसको लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, जो अब तक हम जेल ब्रेक करते आए हैं PS4 में, उसमें एक वेब किट हमें मिलती थी, वहाँ पर एक ID हम डालते थे और उससे जो है हमारा PS4 जेल ब्रेक हो जाता था। लेकिन जो आपके जेल ब्रेक निकाला है इन्होंने ब्लू रे डिस्क के थ्रू निकाला है, मतलब हमको एक ब्लू रे डिस्क डालनी पड़ेगी, उसको राइट करके तब जाकर जो है जेल ब्रेक आएगा। इसमें मैं आपको बता दूं, ये कंफर्म अभी भी नहीं है कि जो ब्लू रे डिस्क वाला प्रोसेस है एक बार करना है या हर बार करना है, या फिर गेम खेलते टाइम हमें उन डिस्क की बार बार ज़रूरत पड़ेगी या फिर एक बार ही कॉपी हो जाएगा। अभी इसके बारे में किसी भी तरीके से कोई खबर नहीं है और जो भी खबर दे रहे हैं वो अभी सिर्फ अफवाह है, तो उन पर ध्यान मत दीजिए। तो इसका एक दूसरा घाटा यह है, जो ये ब्लू रे डिस है एक ख़ास किस्म की ब्लू रे डिस होगी और ये जो है आपको ऑनलाइन ही मिलेगी और ये काफ़ी महंगी होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको जो है गेम इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 100 GB वाली ब्लू रे डिस लेनी पड़ेगी और ये जो आपको सिंगल ब्लू रे डिस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, और ये आपको 10-15 का सेट इकट्ठा मंगाना पड़ेगा जिसकी कॉस्टली कम से कम 1500 से 1600 रुपए के बीच आपको पड़ेगी। और ये बाकी अगर आपकी लोकल मार्केट है, बल्कि यहाँ खुद फरीदाबाद जैसे सिटी में भी DVD मिलना मुश्किल हो जाती है आज के टाइम में, तो ब्लू रे डिस्क तो दूर की बात है। और दूसरी बात यह है, जो ये ब्लू रे DVD होती है इनको आप नॉर्मल जो DVD राइटर है उनमें राइट नहीं कर पाओगे, इसका जो प्लेयर और राइटर अलग से आएगा। अगर आप सस्ते से सस्ता भी बाज़ार से ख़रीदोगे तो वो कम से कम 6500 रुपये का पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो जेल ब्रेक है काफ़ी महंगा पड़ने वाला है और इसलिए ज़्यादातर पब्लिक है इस अपडेट से खुश नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों इसमें ये निकल के आ रही है कि इन ब्लू रे डिस्क में जो भी आप गेम इंस्टॉल करोगे तो उसकी क्वालिटी में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो इन ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी है वो 1080p पे सेट है और जो ये गेम्स होती हैं ये काफ़ी हाई रेजुलेशन की होती हैं और जो डिजिटल वाली हम डाउनलोड करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट चलती हैं। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर एक गेम प्ले देख रहे हैं लास्ट ऑफ अस रीमास्टर का, तो ये भी एक डाउनलोड की हुई गेम है। पहले मेरा PS जेल ब्रेक था 9.00 पे, जो कि फ़िलहाल अपडेट होकर 9.60 हो गया है पता नहीं क्यों। तो ये गेम प्ले बिल्कुल परफेक्ट चलता था और जो भी इसकी ग्राफिक वगैरह हैं बिल्कुल सेट रहती थी, लेकिन अब की बार जो है आपको क्वालिटी ख़राब मिलने वाली है ब्लू रे डिस्क के अंदर। और दोस्तों बात करें ब्लू रे डिस्क राइटर की, जो कि इतना महंगा प्रोडक्ट है, अब मान के चलिए हमने वो मंगा भी लिया और कुछ गेम हमने खेल भी लिए और 5-6 महीने बाद कोई नया अपडेट आ जाता है और उसके बाद जो है कि गेम वगैरह हो सकता है कि हम पुराने तरीके से दोबारा USB के थ्रू डाल पाएँ, तो ऐसे में जो है हमारा वो DVD राइटर ख़राब हो जाएगा और इतने पैसों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में वो और किसी काम तो हमारे आने वाला है नहीं इस। अब बाकी दोस्त अगर आप 9-10 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं तो आप बेशक ये सेटअप कर सकते हैं और जेल ब्रेक के मज़े ले सकते हैं। इसमें आपको बताता चलूँ कि ये जो जेल ब्रेक है PS5 के जो डिजिटल एडिशन वाला होता है उसमें काम नहीं करेगा, ये केवल जो डिस वाला एडिशन है उसी में काम करेगा। अगर आप मेरी सलाह मानो तो आपके ये जेल ब्रेक रहने दीजिए, क्योंकि जो है इसके गेम्स ID शेयर वाले ऑप्शन से हम गेम खेल सकते हैं और जो गेम है आपको 700 से लेकर 1200 तक में 10-12 गेमें ही मिल जाती हैं। बाकी गेम ख़रीदने के लिए एक लिंक मैं आपको दे दूँगा, ये ईरान के बंदे हैं जिनसे मैं खुद गेम लेता हूँ और बाकी आप भी ले सकते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके ईजिली तरीके से, क्योंकि वो पेमेंट Paytm से भी ले लेते हैं, तो इस तरीके से आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और अपने मनपसंद गेम सस्ते में लीजिए।
दोस्तों ये वाला जेल ब्रेक जो है 9.50 से जितने भी अपडेट आए हैं उन सब पर वर्क करेगा, मतलब 9.03 से लेके 9.04 तक, और बाकी रह गए 9.5 के बाद जो जेल ब्रेक है उनका अपडेट आने तक। तो दोस्तों जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि अगर सिर्फ PS5 का अपडेट आता तो जल्दी ही हमें PS4 के और अपडेट भी देखने को मिल जाता 9.5 और 9.60 का भी, लेकिन अब उन्होंने PS5 के साथ साथ ये PS4 का भी महंगा एक जेल ब्रेक दे दिया है। तो इसके लिए अब हमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6 महीने तक का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जो इनका पैटर्न फॉलो करोगे इन हैकरों का, तो आप देखोगे कि ये जो है एक जेल ब्रेक से दूसरा जेल ब्रेक देने में कम से कम 6 महीने का टाइम लेते हैं। बाकी कोई भी न्यूज आएगी तो मैं जल्दी ही आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।